जीपीएल न्यूज, हर खबर आपके साथ। गोपालगंज बरौली के एनएच 28 पर देवापुर में हुए हादसे में ट्रैक्टर चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है ट्रैक्टर चालक कल शाम पड़ोसी का ट्रैक्टर मांगकर गन्ना लेकर शुगर मिल गए थे। वापस आने के दौरान फॉर्चूनर कार और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो जाने से ट्रैक्टर चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना स्थल से फॉर्चूनर कार सवार सभी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। परिजनों का कहना है कि यह मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है, उसे एक साजिश के तौर पर ट्रैक्टर की सीट पर बांधकर पूरी तरीके से ट्रैक्टर को जला दिया गया है। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने की परिजनों से मुलाकात तथा प्रशासन से की निष्पक्ष जाँच की मांग। साथ ही फॉर्चूनर सवार युवकों पर लगाया जिंदा जलाने का आरोप। स्थानीय भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग तथा डीजीपी एसपी और डीएम से की बात। यहां है बेहतर हॉस्टल की सुविधा, साथ ही सीबीएसई पैटर्न, क्लास नर्सरी से 8वीं तक फुल्ली अंग्रेजी माध्यम, सैनिक नवोदय और सिमुलतल्ला जैसे विद्यालयों की तैयारी, खेल कूद, संगीत, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोकन और कंप्यूटर क्लासेस और सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। नामांकन शुरू है तो आज ही आए द मूवी स्कूल, वार्ड नंबर 20 थाना रोड, नियर टेलीफोन एक्सचेंज, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 88098343। कुमार सिंह है, एक गन्ना मेरा भाई गन्ना लेके आ रहा था सासामुसा, और रात को गिरा के जब वापस जा रहा था तो देवापुर के करीब में मेरे भाई को ट्रैक्टर में फॉर्चुनर से एक्सीडेंट तो नहीं लेकिन कुछ हुआ, ओवरटेक कर रहा था लोग या कुछ भी हो, जिसमें मेरे भाई को ट्रैक्टर के सीट पर बैठा कर रस्सी से बांध कर जिंदा जला दिया गया है रात को। गिरफ्तारी हुई है ना? अभी तक तो प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि गाड़ी वहाँ पर फॉर्चूनर खड़ी है, उसका नंबर है, ट्रैक भी हम लोग किए नंबर, उसके बावजूद हम लोग को मेरे मोबाइल पर और मेरे जो फ़ोन करे मेरे भाई का मोबाइल जो लेके गया था वो मोबाइल लोग लेके चला गया है, उस पर कॉल करने पर उधर से रिप्लाई कर रहा है लोग, अभी तो शुरुआत हुई है, इसके आगे आगे अंजाम बहुत बुरा होगा और देखा जाएगा। वो गाड़ी मोतिहारी का है, मुजफ्फरपुर का है, किसी मोहम्मदन के नाम पर वो गाड़ी है, जो मेरा भाई गाड़ी लेके आया था ये भी एक मोहम्मदन का गाड़ी है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है अब्दुल्ला साई, काशी टंगाई के रहने वाले हैं, और मेरा भाई रिश्तेदारी की वजह से वो गाड़ी लेके आया था सिर्फ गन्ना गिरा के जाने के लिए, उनके पास ड्राइवर नहीं था, बोले कि मेरा गाड़ी ले जाके आप गिरा के आ जाइए गन्ना एक बार, उसी के चलते आज मेरे भाई को साजिश करके मारा गया है। अब साजिश तो अज्ञात ही बताएंगे साजिश कौन किया, लेकिन जब एक्सीडेंट भी होता तो मेरा भाई गिर जाता या कुछ भी होता, उसको सीट पर रस्सा से बांध के जलाया गया है, वो भी जिंदा है। राहुल कुमार सिंह, गांव भीमपुरवा, थाना मोहम्मदपुर, जिला गोपालगंज का रहने वाला हूँ। एक घटना मेरे भाई के संग हुआ है जिसका नाम मनीष कुमार सिंह है, उसका उम्र 19 साल है। कल रात को मेरा भाई गन्ना लेके सासामुसा मिल में लाया गिराने को, रात 11 बजे तक उससे कॉन्टेक्ट हुआ, पूछा गया कि कहाँ पर हो, कैसे हो, तो बोला कि मिल में है, 10 गाड़ी के बाद हम आ रहे हैं गिरा के। उसके बाद से मेरा भाई पर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो नंबर नहीं लग रहा है। सुबह पता चला कि मेरे भाई को ट्रैक्टर पर बांध के चला दिया गया है जिंदा देवापुर के करीब। हम लोग आके देखे तो मेरे भाई को रस्सा से बांधा हुआ है सीट पर और उसको वहीं पर जला गया है, जबकि फॉर्चूनर गाड़ी साइड में रखी हुई। क्या लगता है कौन जलाया? अभी जलाने वाला को तो हम नहीं बता सकते कौन जलाया है, लेकिन साजिश करके एक किया हुआ है। एक घटना देखिए, गाड़ी का लुक का लदा हुआ था तो शाम को लेके आ रहा था, अब गाड़ी वो गिरा के 12 बजे 11 बजे ले उससे बात हुआ, अब बात होने के बाद वो बोला कि 10 गाड़ी के बाद हैं गिरा के मार रहे हैं। अब आते समय अब रात को उसका फ़ोन बंद बता रहा था, और सुबह पता चला हम लोग को कि गाड़ी जला हुआ है, 141 मॉडल का गाड़ी, तो हम लोग आके देखे तो गाड़ी अपना गाँव का ही था और उसमें मेरा भाई को बांध के जला दिया गया था, उसमें रास्ता से बांधा हुआ था और उसको जला दिया गया था। तो आपको किसी पे संदेह है? संदेह क्या बताएं, आपसी विवाद तो गांव में एक चल रहा था, जमीनी विवाद, तो अब वो लोग का कारनामा है कि ये लोग का है तो बता नहीं सकते, अब जो जांच के बाद पता चलेगा। स्थानीय में सर, वहाँ स्थानीय में जो हम लोग जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे ट्रैक्टर जो है, जो ट्रैक्टर से गाड़ी लड़ा हुआ है फॉर्चूनर गाड़ी है, वो फॉर्चूनर गाड़ी जो हम लोग ट्रेस कर रहे हैं तो एक मुसलमान के नाम से आ रहा है, जो जो इनका भाई जो है मनीष सिंह नाम है उसका, अभी 18-19 वर्ष उसका उम्र है, वो जो ट्रैक्टर लेकर आया था वो भी एक मुसलमान का ही ट्रैक्टर लेकर आया हुआ था, वो ट्रैक्टर लेकर जब यहाँ आया है और यहाँ से गिरा के जब जा रहा है तो ऐसे वो एक्सीडेंट किया गया है, जैसे लग रहा हो कि मतलब इसका फॉर्चूनर दोनों तरफ से लग रहा हुआ है।
दोनों तरफ से उसका स्क्रैच है। मतलब हम मतलब लड़का के पिता के कहने का अनुसार ये है कि जो जो जिसका गाड़ी ट्रैक्टर लेकर आया हुआ था उसको और उसके पटीदार में यानी मुस्लिम जो लोग हैं उन लोगों के बीच में कोई विवादित था और उसके बाद उन लोगों के विवादित में ऐसा कुछ घटना आने का संभावना मतलब उसके पिता बोल रहे हैं। अब तो जांच के बाद पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ से जाकर वहाँ NH जाम करेंगे। पहले से किस बात का विवाद था मतलब गाँव में जमीनी विवाद तो ये बोल रहे हैं मतलब यहाँ कल का जो बात अभी हम उनके पापा बोले कल का जो बात बोले यहाँ वो अपने में पटीदार में जैसे मुस्लिम जो है वो लोग पटीदार में अपने कर रहे हैं और उन लोगों का ही गाड़ी लेकर आया हुआ था लड़का। मृतक का नाम क्या पड़ेगा? मनीष कुमार सिंह पड़ेगा उसका नाम। उनके पिता का नाम? हरेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? भीमपुरवा गांव के रहने वाले हैं, बैकुंठपुर। आप लोगों का नाम? मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह हुआ। वो मनीष कुमार सिंह के बड़े भाई हैं, राहुल सिंह हैं। हम उनके पड़ोसी उनके अंकल लगते हैं। आप लोगों का घर कहाँ पड़ेगा? मेरा घर भी भीमपुरवा ही पड़ेगा, थाना मोहम्मदपुर पड़ेगा, जिला गोपालगंज बैकुंठपुर के हम लोग हैं। चित्रगंधा पान मसाला द रॉयल टेस्ट, हर सफर में हम सफर। JPL न्यूज, हर खबर आपके साथ।